हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। सत्येंद्र जैन को जेल में नहीं मिलेगा मनचाहा खाना, कोर्ट ने खारिज की याचिका। जी हां, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें जेल में मनचाहा खाना खाने की गुहार लगाई थी। सत्येंद्र जैन का कहना था कि जेल में उनके खाने में ड्राई फ्रूट्स व फलों को भी शामिल किया जाए। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। सीएम नीतीश का ऐलान, शराब का धंधा छोड़ने वालों को बिहार सरकार देगी 1,00,000 रुपए। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शराब का धंधा छोड़ने वालों को बिहार सरकार 1,00,000 रुपए देगी। ये पैसा सरकार द्वारा जीविकोपार्जन के लिए दी जाएगी। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने ये बात कही है। RBI ने पेटीएम की पेमेंट एग्रीगेटर एप्लीकेशन पर लगाई रोक। जी हां, RBI ने पेटीएम के पेमेंट एग्रीगेटर के आवेदन को खारिज कर दिया है। इस आवेदन के खारिज हो जाने के बाद अब पेटीएम अपने प्लेटफॉर्म पर नए ऑनलाइन मर्चेंट्स को नहीं जोड़ पाएगी। बता दें कि पेटीएम ने कहा है कि इस रोक से उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज के लिए 120 दिनों बाद फिर से आवेदन करेगी। देशी कंपनियों को मिल रहा है सस्ता कच्चा तेल, आम लोगों को नहीं मिल रहा है इसका फायदा। जी हां, भारतीय तेल कंपनियां पिछले 10 महीनों में सबसे कम कीमत देकर कच्चा तेल आयात कर रही हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो नवंबर में भारतीय कंपनियों ने औसतन 89.57 डॉलर प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल खरीदा है। इन सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीदने के बावजूद कंपनियां इसका लाभ भारतीय ग्राहकों को नहीं दे रही हैं। रमीज रजा की चेतावनी पर अनुराग ठाकुर ने कहा, कोई देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। जी हां, वनडे विश्व कप को लेकर रमीज रजा की चेतावनी के बाद भारतीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोई देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। रमीज रजा ने कहा था कि यदि भारत पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलेगा तो पाकिस्तानी टीम भारत में विश्व कप खेलने नहीं आएगी। इमरान खान ने कहा, PTI पाकिस्तान की सभी विधानसभाओं से देगी इस्तीफा। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व PM और PTI के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि PTI पाकिस्तान की सभी विधानसभाओं से इस्तीफा देगी। यह घोषणा इमरान खान ने रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कही है। इमरान खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हो तो मौत के डर से खुद को मुक्त कर लो। राहुल गांधी बोले, मैं RSS PM मोदी से लड़ता हूं, पर मेरे दिल में उनके लिए नफरत नहीं। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने MP इंदौर के महू में एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी RSS और PM मोदी से लड़ाई केवल राजनीतिक है, वो उनसे जरा भी नफरत नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि जिसके दिल में डर नहीं होता वह कभी नफरत नहीं कर सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।